हेलो फ्रेंड्स, मैं सविता शेखावत। मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी में हम बनाने वाले हैं आलू मटर की झोल वाली सब्जी, जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। और इसको हमने जिस तरीके से बनाया है ना, ये खाने में एकदम ही होटल और रेस्टोरेंट की जैसी स्वादिष्ट होती है। आप इसको बनाकर जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको भी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली सब्जी है। इसको हम बहुत ही सिंपल सादे मसालों से बनाकर तैयार करेंगे। ज़्यादा कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो चलिए इसको बना लेते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन है उसको क्लिक ज़रूर कीजिए, ताकि नई वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो ये सब्जी में लगने वाली सामग्री है। तो यहाँ पे हमने 300 ग्राम मटर के दाने लिए हैं और 300 ग्राम हमने आलू लिए हैं। ये आलू थोड़े से मीडियम से भी छोटे आकार के हैं। इनको हमने बॉईल करके इनका पूरा छिलका निकाल दिया है। तो बॉईल किए हुए आलू हमें इसके अंदर लगेंगे। साथ में ही हमने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, दो हमने टमाटर लिए हैं, दो हमने प्याज लिए हैं, और थोड़े से हमने ये खड़े मसाले लिए हैं। इसमें 1 चम्मच जीरा, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 हमने लौंग लिए हैं, और 8-10 काली मिर्ची ली हैं। और साथ में हमने ये हरा धनिया और करी पत्ता ले लिया है, तो इसका इस्तेमाल भी हम इसके अंदर करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब प्याज को हम रफली चॉप कर लेंगे, और साथ में ही हमने जो टमाटर है इनको भी कट कर लेंगे। अब इसको बनाने के लिए हमने ये मेयर कंपनी का 4G स्टोन नॉनस्टिक कैसरोल लिया है। इसमें इसको हम बनाकर तैयार करेंगे। ये देखिए, लीड के हैंडल पे इसका नाम दिया गया है। और लीड की बात करें तो ये शटर रेसिस्टेंट ग्लास लीड है, जो ज़्यादा गर्म होने पर भी नहीं टूटती है। और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा स्पेस है, आप इसमें एकदम कम तेल में ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर सकते हो। वजन में हल्का होने के साथ साथ ये बहुत ही मजबूत कैसरोल है। और इसके बेस की बात करें तो बेस जो है इसका पूरी तरह से स्टील का बनाया गया है, जो हीट को एकदम मेंटेन रखता है। और इसकी खास बात यह है कि आप इसको गैस और इंडक्शन दोनों पे इस्तेमाल कर सकते हो। इस पे अभी 15% ऑफ चल रहा है, अगर आपको लेना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप उसमें से देख ले। तो यहाँ पे हमारा तेल जो है गरम हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो खड़े मसाले लिए थे वो पूरे इसके अंदर डाल लेंगे, और इनको हम हल्का सा सोते करेंगे जब तक कि ये अपना फ्लेवर छोड़ दें। खड़े मसाले की अच्छे से खुशबू आ रही है, तो अब इसके अंदर हम लहसुन की कलियाँ और रफली चॉप किया हुआ प्याज डाल लेंगे। इनको हम जब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से ब्राउन हो जाए। एक यहाँ पे हमें गैस का फ्लेम लो मीडियम रखकर ही इनको पकाना है, क्योंकि फुल गैस पे पकाएंगे तो ये जल्दी से जल जाएंगी प्याज वगैरह, और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। अब प्याज हमारी अच्छे से भुन चुकी है, तो इसके अंदर हम टमाटर डाल लेंगे। और इनको डालने के बाद में हम इसके ऊपर से थोड़ा सा नमक डालेंगे, ताकि टमाटर जल्दी से नरम हो जाए। अब इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको हम ढक्कन लगाकर पकने देंगे, जब तक कि टमाटर नरम होएंगे। 1 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठा रहे हैं। अब ढक्कन उठाने के बाद में हमने ये हरी मिर्ची ली है। अगर आपको हरी मिर्ची पसंद है तो आप इसके अंदर जरूर डालिए, इससे भी इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। अब चलाने के बाद में इसको हम वापस से ढक देंगे, और टमाटर को नरम होने का इंतजार करेंगे। बीच बीच में ढक्कन उठाकर हम इसको चलाते रहेंगे, और इसको हमें जब तक पकाना है जब तक कि टमाटर नरम होकर मैश होने लग जाए। तो यहाँ पे इसको पकते पकते 3 मिनट हो गए थे, ये अच्छे से पक गए हैं, ये बिल्कुल मैश होने लगे हैं। तो अब इसका गैस का फ्लेम बंद करेंगे और इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम ग्राइंडर जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये हमने जो करी पत्ता लिया था इसको भी हम इस तरह से ग्राइंडर जार के अंदर डाल लेंगे, पूरी पत्तियाँ इसकी। और ये हमने धनिया लिया था, ये भी इसके अंदर डालेंगे। थोड़ा सा धनिया हम बचा लेंगे बाद में डालने के लिए, इसमें हमें हरा धनिया थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। अब इसमें हम फ्राई किए हुए बाकी के मसाले भी डाल लेंगे। यहाँ पे इसमें से जितना तेल बचेगा हम कैसरोल के अंदर ही छोड़ देंगे, क्योंकि पूरा तेल हम इसके अंदर नहीं डालेंगे। तो अब इसके अंदर जो बड़ी इलायची है उसको हम छिलका निकाल लेंगे। इसके सीड्स जो है हम वही इस्तेमाल करेंगे, छिलका हटा देंगे, क्योंकि ये खाते समय अच्छे नहीं लगेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एकदम गाढ़ा सा पेस्ट बनाकर तैयार करेंगे। लेकिन इसको हमें एकदम बारीक पीसना है। ये देखिए, मैं चम्मच से आपको दिखा देती हूँ किस तरह का पीसना है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एकदम ही फाइन पेस्ट बनकर तैयार हुआ है। अब आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कैसरोल के अंदर कुछ बचा हुआ तेल था, और थोड़ा सा हम और डाल लेंगे इसमें, क्योंकि ये एकदम ही थोड़ा सा तेल है। थोड़ा सा तेल हमने और डाल लिया है। अब इसको हम अच्छे से गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद में हमने जो पेस्ट तैयार किया है मसालों का, वो इसके अंदर डालेंगे। इसमें थोड़ी सी मेहनत होती है, लेकिन ये सब्जी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है कि आप इसको एक बार बनाकर खाएंगे ना, तो आप बिल्कुल इसी तरीके से सब्जी बनाना पसंद करेंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, एकदम ही होटल और रेस्टोरेंट में हम जिस तरह की सब्जियाँ खाकर आते हैं
उसी तरह की सब्जी ये बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पे 2 मिनट तक मसाले को भूनने के बाद में इसके अंदर हम सूखे मसाले ऐड कर रहे हैं। तो 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर, लाल मिर्ची हम छोटा चम्मच डालेंगे ताकि ये ज़्यादा तीखी ना हो, क्योंकि इसके अंदर हमने काली मिर्ची और हरी मिर्ची दोनों का इस्तेमाल किया है। और साथ में हम 1 छोटा चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर। अब सारे मसाले को हम इसके अंदर अच्छे से मिक्स कर देंगे और ढक्कन लगाकर इसको हम 1 मिनट तक पकाएंगे। तो ये सूखे मसाले भी एकदम अच्छे से भुन गए हैं, पूरा तेल मसाले के अंदर से जो है अलग हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे हरी मटर, जो हमने मटर ली थी, ये कच्ची मटर के दाने हैं। इसमें हमने मटर को बॉईल नहीं किया है, केवल आलू को बॉईल करके लिया था। अब आलू भी इसके साथ में ही डाल देंगे, क्योंकि मटर को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अगर हम आलू मटर साथ में पकाते हैं तो मटर जो है ज़्यादा मैश हो जाते हैं, इसलिए वो खाने में अच्छे नहीं लगते। अगर आप इस तरीके से इस सब्जी को बनाएंगे तो आपको ये बेहद ही स्वादिष्ट लगेगी। अब इसमें आप स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। 1 छोटा चम्मच हम इसके अंदर डालेंगे गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच डालेंगे कसूरी मेथी, और अब इनको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इनको हम 2 मिनट के लिए ऐसे सूखे ही मसालों के साथ में पकाएंगे ताकि पूरे मसाले का फ्लेवर जो है आलू और मटर के अंदर आ जाए। अब इसका ढक्कन उठाकर इसको हम अच्छे से चला लेंगे एक बार, और फिर हम इसके अंदर जितनी ग्रेवी हमें इसके अंदर चाहिए उतना पानी इसके अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा गाढ़ा रख सकते हो, या फिर इसका पतला पतला ग्रेवी भी आप बना सकते हो। तो मैं इसके अंदर, आपने देख लिया किस तरह की ग्रेवी रख रही हूँ, ये ना ज़्यादा गाढ़ी है और ना ही ज़्यादा पतली है। तो आप अपनी पसंद के अनुसार इसकी ग्रेवी को रख सकते हो। अब इसको ढक्कन लगाकर हम उबाल आने तक पकाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सब्जी के अंदर उबाल अच्छे से आ गया है। अब इसको हम इसी तरीके से 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे, और बीच में हम इसके मटर को चेक करेंगे ये पकी है या नहीं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मटर जो है बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो गई है। तो गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और जो धनिया हमने बचा कर रखा था उसको इसके अंदर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। और आप इस सब्जी को गर्मा गर्म बनाने के बाद में चपाती या पराठे के साथ खाइए, ये आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, सच मानिए फ्रेंड्स, ये एकदम होटल की जैसी बनी है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप भी इस रेसिपी को बनाकर एक बार जरूर ट्राई कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली सब्जी है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर आपको पसंद आई हो तो अपना फीडबैक जरूर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।